और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो, अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से, उसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा, और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इस ICCC से देख सकती है, और ठीक इसके साथ ही कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता आपने देखी होगी। कमांड यानी कोरोना कालखंड में हम लोग इसका उपयोग करते थे, एक एक गांव में स्क्रीनिंग करने की, एक एक गांव में क्या गतिविधियां चल रही इनको देखने की, हॉस्पिटल की व्यवस्था को संचालन करने की, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम की, और तमाम अन्य कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के चलते थे। और आज ये सभी कार्यक्रम यहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि संत कबीर नगर जनपद ने भी अपना ICCC बना दिया है और उसको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपनी निधि का उपयोग भी ICCC बनाने में किया, और उसका परिणाम है कि एक सुरक्षित फरीदाबाद, सुरक्षित मगहर, सुरक्षित संत कबीर नगर, उनके प्रयासों से आज यहाँ पे प्रशासन और शासन की योजना का लाभ यहाँ पर उसके माध्यम से लोगों को प्राप्त होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।